सर, बीजेपी जिस तरह से चुनाव हार गई और कांग्रेस जिस तरह चुनाव जीती है, क्या मोदी लहर पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अच्छे दिन के चक्कर में आज इतने अच्छे हो गए हम लोग कि और अच्छाई की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये बेहतर हुआ कि बीजेपी हारा और कांग्रेस आया है, और ये अच्छाई अब हम उससे उम्मीद करेंगे कांग्रेस से, जो कि जो वादा उन्होंने किया ये वो पूरा करेंगे। कैसे आपके हिसाब से राहुल गांधी जी को आपके हिसाब से दिशा निर्देश क्या होने चाहिए? इनका ये है कि ये वादा कम करते हैं, ठीक है, और काम ज़्यादा करते हैं, ये मेरे हिसाब से। अब आगे देखना है कि वो क्या करते हैं जी। बीजेपी को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? उनको ये दिशा देंगे कि वादा कम करें, काम ज़्यादा करें, जो जिन्होंने वो नहीं किया अब तक। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा काम जो अधूरा रह गया? बहुत सारा काम है, कोई काम पूरा ही नहीं किया। जी बताइए कौन सा काम? जैसे वो नोटबंदी था और वापस लाना था, कहाँ लाए वो वापस? वापस लाना था, वो भी नहीं ला पाए। कालाधन का समस्या था, कालाधन कहाँ वापस आए? दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन आएंगे। ये हमेशा आदमी को बुड़बक बनाने का काम किए हैं, और ये कोई वादा पूरा किए हैं, खाली अच्छे दिन आने वाले हैं। राम का वर्ल्ड टूर में बर्बाद कर दिया वो। तो जी मंदिर के विषय में आपका क्या? मंदिर के आदमी को चुतिया बनाने का काम किए हैं, बहुत बड़ा मूर्ख वाला काम किए हैं, साधु संत को बर्बाद किए हैं। संत कोई बर्बाद जी, देख लीजिए आगे। अब जबकि ये बीजेपी के सरकार में मंदिर नहीं बनी तो आप क्या बनेगा? ये झूठे वादे किए हैं, आपस में लड़ाने वाले बात किए हैं, एक दूसरे को लड़ाने के काम किए हैं, दूसरा कोई काम नहीं, जैसा किए वैसा पाए। ये तो जनता सही किया है, जनता ही के वजह से तो आज इसका ये हाल हुआ है। अब देखिए और अच्छे काम करेंगे, 3 महीना बचे है, कौन काम करते हैं? डिसीजन तो जनता लेती है, डिसीजन तो जनता के हाथ में है, आप जैसा किए वैसा पा रहे हैं। मस्जिद का एकदम हमेशा अगेंस्ट बोलते थे, मंदिरे मस्जिद में अगेंस्ट बोलते में चल गए। देखिए आप क्या करते हैं, अब तो डिसीजन जनता के हाथ में है। 3 महीना तो आपके हिसाब से कांग्रेस को दिशा निर्देश क्या? बहुत अच्छा आया है ये चीज, अगर कभी भी इनको संभल के भी चलना पड़ेगा, ये देख के आगे खुद संभलेंगे वो कि क्या करना है, कैसे करना है हमको। आपके हिसाब से कांग्रेस को दिशा निर्देश क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, और आगे देखिए कि क्या होता है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस आगे है, आगे रहेगा। राहुल गांधी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाह रहे हैं कि वो आज का हीरो है, वो हाथ का भी हीरो वही रहेगा, कल का भी हीरो वही रहेगा। गरीबों के लिए जितना सुविधा दिए वो गरीबों तक नहीं पहुंच सका, और किसानों के लिए जो दुगुनी आय के लिए जो किए वो दुगुनी आय तक के किसानों तक नहीं पहुंच सका। किसान भी नाराज़ हो गए और जितने भी गरीब लोग थे वो नाराज़ थे। आपकी राय सर क्या है बीजेपी नेतृत्व के प्रति? हम एंटी इनकम्बेंसी ही प्रमुख कारण बनी चुनाव में हार का प्रमुख कारण, उसके अलावा स्थानीय मुद्दा जो रहा है उसके कारण वहाँ की सरकार डिफीट आई, जहाँ भी चुनाव हुआ। नहीं, राहुल गांधी को अभी समय लगेगा, उनके में वो बात अभी नहीं है ना, वो क्षमता है, इसलिए राहुल गांधी को भी समय लगेगा। जो है हम लोगों शिक्षित युवा वर्ग है, हम लोगों को क्या अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो हम लोग ये उम्मीद किए थे उनसे कि हम लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे पहले डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसमें बोला गया था कि देश से काला धन वापस लाया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत विश्वास के साथ उनको जो है चुने हैं, तो वो जो है हम लोग के विश्वास पे खड़े उतरे, और हम लोग को जो है जो शिक्षित वर्ग हैं, हम लोग जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का वो कोशिश करें। समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। सर आप बताइए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है ना, राहुल गांधी अभी उसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, टाइम लगेगा। अभी पप्पू है, उनके में वो क्षमता भी नहीं आई है, इसलिए राहुल गांधी को अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ये परिणाम जो है विधानसभा का ही परिणाम है, लोकसभा का इससे कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। पूरे देश में और जहाँ अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, BSP का वोट परसेंट बढ़ा है, और BSP आज जरूरत हो गई है।